तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्किबैक्टीरिया आदिबैक्टीरिया। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मुनेरा जगत पढ़ा था, उसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। तो चलिए आज इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी दोस्तों, मेरा नाम है सनवीर सिंह और आप देख रहे हैं सनवीजी एस स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्किबैक्टीरिया या आदिबैक्टीरिया, इसे आर्किबैक्टीरिया और आदिबैक्टीरिया दोनों कहते हैं, ठीक है। आर्की से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं ना, इसीलिए इन्हें आर्किबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ये सबसे प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं और चरम प्रतिकूल, ऐसी प्रतिकूल मतलब जानते हो, ऐसी परिस्थिति जहाँ की सामान्य जीव क्या ना कर पाए, सर्वाइव ना कर सके, ऐसी परिस्थितियों में ये पाए जाते थे, ठीक है। इसलिए कहते हैं चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते थे, ठीक है। ये चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते थे। कोशिका नंबर सेकेंड जो थर्ड पॉइंट है, कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन नहीं मिलता था। इनकी कोशिका भित्ति जो थी उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो म्यूरिन था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। और उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। लिपोसैक्राइड, लिपोसैक्राइड सामान्यतः बैक्टीरिया में दो लिपिड की दो स्तर होती हैं सामान्य बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होती है उनमें एक स्तर होती है आर्की बैक्टीरिया में, हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो लिपिड की स्तर होती है एक स्तर होती है। आर्की बैक्टीरिया के प्रकार, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, पेप्टिडो, पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन, और वो जो होता है ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वसा लिपिड कहते हैं, लिपिड को वसा कहते हैं, ठीक है। तो ये था पेप्टिडो ग्लाइकन, नहीं यहाँ पर आया था ये पेप्टिडो ग्लाइकन। नेक्स्ट बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। तो आर्की बैक्टीरिया के प्रकार में सबसे पहले देखिए, नंबर एक मेथेनोजन, मेथेनोजन ये अवायवीय वातावरण में मिलते हैं। लगभग 10,000 ग्लूकोज जुड़कर सेलुलोज बनाता है, और सेलुलोज जो होता है ये क्या होता है, जो चारागाही पशु होते हैं वो चारा खाते हैं, तो उनमें जो क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज होता है ना उनमें, और वो क्या होता है, जब पचता है और कुछ अपचित अपच भी रह जाता है, और जो उनका मल होता है जानवरों का उसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोजन ये पाया जाता है, मेथेनोजन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गोबर जो होता है, गोबर जानवरों का गोबर, ठीक है, उसमें क्या जो होता है, सेलुलोज होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मिलकर क्या बनती है, मैथेन गैस बनती है। क्या बनती है, मैथेन गैस। और मैथेन गैस कैसे बनती है, आपने देखा होगा गोबर से लोग क्या जलाते हैं घर में, गोबर से गैस से बल्ब भी जलाते होंगे आपने अगर देखा हो गाँव में, पहले ऐसा होता था, तो वो क्या होती, मैथेन गैस होती, ठीक है उसमें। और मैथेन गैस जो होती बड़े बड़े प्लांट लगते हैं इसे, जिसे आप इसे ईंधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये गोबर में भी पाए जाते हैं क्या, मेथेनोजन, ठीक है, और जानवरों की आत में भी। तो उस इस बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना मेथेनोजन सबसे पहले, जो ये आर्की बैक्टीरिया का ही प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफिल, हेलोफिल सेकेंड आर्की बैक्टीरिया का ही सब प्रकार है एक। तो देखिए हेलोफिल ये लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, लवड़ी क्षेत्र में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हेलोफिल का मतलब क्या होता है अर्थ, ठीक है। देखिए हेलो, हेलो का अर्थ होता है लवड़ी, जहाँ कहीं भी हेलो लिखकर आ जाए तो मतलब समझ लेना क्या है, लवड़ी, हेलो साइंस भाषा में, ठीक है, ये नहीं इंग्लिश में, ठीक है, साइंस भाषा में हेलो का मतलब होता है लवड़ी, और फिल का मतलब होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो हेलोफिल अर्थात लवड़ी आर्की बैक्टीरिया, अगर हेलोफाइट लिख कर कहीं लिखा है तो मतलब हेलो का मतलब होता है लवड़ी, और फाइट का मतलब होगा पादप, तो लवड़ी पादप वो होंगे, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट है, ये इसमें नहीं है, ये हम बस बता दिया कन्फर्मेशन के लिए कि अगर हेलो फाइट आ जाए तो वहाँ पर लवड़ी पादप होते हैं, और हेलो फिल आए तो वहाँ पर क्या होगा, लवड़ी बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ये हेलोफिल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल। थर्मो का मतलब क्या होता है, तापमान, एसिडो अम्ली, फिल का मतलब होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आपको इसका मीन समझ में आ गया, तो ये अब कहाँ पाए जाएंगे, ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ उच्च तापमान होगा, अम्लीय वातावरण होगा, वहाँ मिलते हैं, ठीक है। जैसे जब बिग बैंग हुआ था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ऐसे वातावरण में ये पाए जाते थे जहाँ उच्च तापमान था, लावा था,
अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, वहाँ भी ये पाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं? उच्च तापमान में, अम्लीय वातावरण में, जैसे ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने, ऐसी जगहों पर पाए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।